हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर एजुकेशन हब। इसके पहले जो मॉक टेस्ट 3 हमने किया था पैथोलॉजी का, उसमें दो आंसर्स गलत थे। एक तो आपका बोर्डेक्स मिक्सचर वाला और ब्राउन स्पॉट ऑफ पेडी का, ठीक है। दोनों आप एक बार कंफर्म कर लीजिए, उसको चेक कर लीजिए, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने काम किया है आपको कन्फर्म करने के लिए, मैंने इमेजेस डाल दिए, ठीक है। तो आप वहीं पर वीडियो को पॉज करके वो इमेज देख सकते हैं और आप आपका आंसर कन्फर्म कर सकते हैं और इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आने वाले सारे मॉक टेस्ट में यही करेंगे कि जो क्वेश्चन रहेगा उससे रिलेटेड कंफर्मेशन के लिए मैं सीधा आपको इमेजेस डाल दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप कंफर्म कर लीजिए। चलो चलते हैं सीधा क्वेश्चंस की तरफ। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। लाइकेन इज एसोसिएशन बिटवीन फंगस और अलगे के बीच में होता है लाइकेन। आपको सबको पता है इसका आंसर, तो ये बिल्कुल सही आंसर है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आप ये सारे क्वेश्चन प्लेलिस्ट पर जाके देख लीजिए, इसीलिए मैंने स्टूडेंट्स को ये पीडीएफ नहीं भेजी, क्योंकि इसमें बहुत सारे आंसर ऑलरेडी गलत लगे हुए हैं पहले से, ठीक है। जैसे ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फ्रेंकिया बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे जो उसका आंसर उन्होंने देके रखा है, एक्चुअली एक्टिनोमाइसिस देके रखा, जो कि फंगस है। बट फ्रेंकिया आपका फंगस है ही नहीं, फ्रेंकिया आपका बैक्टीरिया है, ठीक है। और कौन से ग्रुप में आता है? ये आता है एक्टिनोबैक्टीरिया ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से आंसर इसमें गलत देके रखे हैं, इसलिए मैं पीडीएफ आपको नहीं भेज रहा हूँ। जब पूरे आंसर्स करेक्ट हो जाएंगे तो आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा, तो आप उसको देख लीजिए जो भी करेक्ट आंसर है उसमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो एसोसिएटिव सिम्बायोसिस। एसोसिएटिव सिम्बायोसिस कौन करता है? तो एजो स्पाइरेलम करता है, ठीक है। और जो भी मैं इमेजेस डाल रहा हूँ उनको आप पोस्ट करके देख सकते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन किसने डिस्कवर किया था? तो वॉक्समैन ने किया था, ठीक है, ये तो आपको याद रखना है सीधा। और ऐसे पेनिसिलिन किसने किया था? तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। ये एक्सीडेंटली इनको मिल गए थे, क्लियर है। अब जो है बैक्टीरियोफेज, आपको सबको पता है कि किस ग्रुप में आता है? ये आपके वायरस में आता है, ये सबको पता है। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को खा जाता है, ठीक है। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टर्म राइजोस्पियर वॉज कॉइन्ड बाय किसने दिया था? तो ये दिया हिल्टनर ने दिया था, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द यूज ऑफ कंडेंसर इन माइक्रोस्कोप वॉज इंट्रोड्यूस बाय किसने दिया था? एबेन ने दिया था, ठीक है। और ये क्या होता है, इसके लिए मैं आपको इमेज डाल देता हूँ, वो आप थोड़ा पढ़ लीजिए क्यों यूज़ करते हैं इसको। ब्लू मोल्ड रोट इन ब्रेड इज कॉज्ड बाय पेनिसिलिन, पेनिसिलियम करता है इसको, ठीक है। ब्लू मोल्ड रोट पेनिसिलियम, क्लियर है इतना। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी वॉज फाइनली डिसप्रूव्ड बाय किसने डिसप्रूव की थी? तो लुइस पास्टर ने इसको डिसप्रूव की थी, ठीक है। रे फंगई इज अनदर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो एक्टिनोमाइसिटिस को ही आप रे फंगस बोलते हैं, ठीक है, ये याद रख लीजिए, इसका सिनोनिम आपको याद होना चाहिए। फाइकोलॉजी किसकी स्टडी को करते हैं? तो फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अलगे एंड माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगस, क्लियर है। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोकैरियोटिक ओरिजिन? इसमें से प्रोकैरियोटिक ओरिजिन किसका है? तो ब्लू ग्रीन अलगे ही आपका प्रोकैरियोटिक, बाकी सब आपका यूकैरियोटिक है। बीजीए को हम ब्लू ग्रीन अलगे साइनोबैक्टीरिया में रखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भी उसमें कि किस ग्रुप में रखते हो आप माइक्रोस्कोप? तो साइनोबैक्टीरिया के ग्रुप में रखते हो उसको, ठीक है। ये क्लियर, हम पढ़ते ही हैं प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, तो उसी के अंतर्गत आता है ये। अब जो है नाइट्रिफिकेशन रिफर्स टू द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू, नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया किसको कन्वर्ट करता है? अमोनिया को हम कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में, ठीक है। अमोनिया टू नाइट्राइट टू नाइट्रेट, ऐसे ही चलता है हमारा नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। माइकोराइजा आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड, वहाँ पे हमने पढ़ा था फंगस एंड अल्गे के बीच में लाइकेन था, माइकोराइजा किसके बीच में? फंगस एंड प्लांट रूट्स के बीच में है, ये आपको सबको पता होगा। वैसे बैक्टीरियल सॉफ्ट रोट और फ्रूट एंड वेजिटेबल इज कॉज्ड बाय कौन करता है? तो अर्विनिया क्रोटोवोरिया करता है, इसके बारे में जो डिटेल है आप इमेजेस में पढ़ लीजिए, ठीक है। इमेज में आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। द केमिकल सोडियम प्रोपोनिएट इज जनरली यूज एज एन इनिबिटर ऑफ, किसमें होता है इसको यूज करते हैं हम? मोल्ड में करते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका मोल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। एनएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो आपके गट्स वगैरह में पाया जाता है ह्यूमन में, क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया भी, हेल्पफुल बैक्टीरिया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो ये है आपका फ्रेंकिया, ठीक है, ये आपको याद रख लेना फ्रेंकिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटोपैथोजेनिक फंगस? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पेनिसिलियम। बायोगैस में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो मीथेन होता है हमारा, इसका सबको आंसर पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज टाइफस फीवर? तो ये होता है रिकेशिया, इसका मैंने डाल दिया आपको इमेज, ठीक है, वो आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूनिसेलुलर फंगस? सेक्रोमाइसिस।
विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन्वॉल्व्स अपटेक ऑफ नेकेड डीएनए, तो ट्रांसफॉर्मेशन में होता है हमारा, ठीक है। इन सबको वैसे आप पढ़ लीजिए एक बार, है ना, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन किस किस तरह से होता है, तो आपको थोड़ा याद रहना चाहिए ये। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट एमोनिया टू नाइट्राइट, एमोनिया को नाइट्राइट में कौन कन्वर्ट करता है, तो नाइट्रोसोमोनास करता है। बाकी इनके बारे में भी आप पढ़ लीजिए, मैं इमेज डाल देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट नाइट्राइट टू नाइट्रेट, फिर से आ गया आपका क्वेश्चन नाइट्रोबैक्टर, सेम इमेज से आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रिंग अबाउट डी नाइट्रिफिकेशन, कौन करता है, थायोबेसिलस, ठीक है। बोलवॉर्म रेजिस्टेंट कॉटन वेराइटीज कंटेन जीन फ्रॉम विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो बैक्टीरिया से होता है, आपको सबको पता है इसका आंसर। और जो आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है वो कौन सा होता है बैक्टीरिया में, प्लास्मिड होता है, ठीक है। द टर्म प्लास्मिड किसने इंट्रोड्यूस किया था, लीडरबर्ग ने किया था। और जो आपका जेनेटिक मटेरियल वायरोइड में कौन सा होता है, तो आरएनए होता है। और वायरस में कौन सा होता है, तो आइदर आरएनए और डीएनए होता है। कोकोनट केडेंग केडेंग इज कॉज्ड बाय, वायरोइड करता है, ठीक है। ये डिजीज देख लीजिए आप, इसके बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा सा। मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस बाय एक्टिनोमाइसिट, से मिलती है हमको बहुत सारी एंटीबायोटिक, ठीक है, क्लियर है इतना, ये याद करते हुए चलिए, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है कि बारिश के बाद जो खुशबू आती है मिट्टी में से किसकी वजह से आती है, एक्टिनोमाइसिटिस की वजह से आती है, ठीक है। कैप्सिड इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैप्सिड आपका वायरस में होता है, ये सबको पता है आपको। एजोला शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एनाबेना, ठीक है। हेट्रोसिस्ट आर इम्पोर्टेंट इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेट्रोसिस्ट आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होता ही है, ठीक है। माइक्रोराइज आर इम्पोर्टेंट फॉर अपटेक ऑफ फॉस्फरस, तो ये हमारे 40 क्वेश्चन है आज के लिए, काफ़ी है माइक्रोबायोलॉजी के 40 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन हम अगली बार देख लेते हैं और कन्फर्म करते हुए जाएंगे, इमेजेस डालते हुए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।